प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स स्क्वायर मतलब 36, जीरो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इज इक्वल टू 9 माइनस 6 ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 16। देखिए ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी कट फ्रॉम बोथ द साइड। अब जो हमारे पास कांस्टेंट है ना वो कितने हैं, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे है 25, ठीक है। सो कांस्टेंट को मैं कट करूंगी, ये वाला 49 भी यहाँ पे है, ओके। सो 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16, यहाँ पे माइनस 6 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 14 ए में। अब देखो 6 36 में से कट करोगे दैट विल बी 20, 20 में से फिर से 9 कट करेंगे वी हैव 11, सो 49 प्लस 11 वो हो जाएगा आपका 60 कंप्लीट। और यहाँ पे हो रहा है 18, बोलिए a इज इक्वल टू 60/8, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4, 15 4s are and 4 2s are, सो योर आंसर इज 7.50, ओके। p यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी p इज ऑन x एक्सिस ना, सो p इज समवेयर एल्स, यहाँ पे x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है आपका 7.50, तो यहां से ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, द डिस्टेंस दिस वन इज सेम बिकॉज p इज ऑन x एक्सिस दैट इज गिवन टू अस, ओके। सो p 7.50 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, ओके। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। जब भी 10th चैप्टर है, 9th चैप्टर है, 11th चैप्टर है, जो भी आपको क्वेश्चन में आस्क है वो लास्ट में वन सेंटेंस में आपको लिखना है, वैसे तो सारे चैप्टर्स में लिखना है, ओके। जो भी लास्ट में आपको गिवन है कि फाइंड दिस, तो वो आपको लास्ट में बिल्कुल लिखना है क्योंकि उसका हाफ मार्क कैरी करता है वो स्टेटमेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए व्हाट इज गिवन टू अस, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, मतलब आई हैव टू फाइंड m विच पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब कि एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक मेरे पास पॉइंट है x1 y1, ओके, एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, दूसरा पॉइंट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, एंड जो सेकेंड पॉइंट है x2 y2 दैट वी हैव टू फाइंड, what is that, this is midpoint of two given points, okay, midpoint of the line segment joining the points 0 minus 4 and 8 0, a 0 minus 4 and b 0 8, sorry 8 0, so फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो मिड पॉइंट नहीं है, मेरे पास सेकेंड पॉइंट होना चाहिए तभी स्लोप मिलेगा। स्लोप के लिए आई वॉन्ट वन ऑफ द थ्री थिंग्स, फर्स्ट थिंग मेरे पास होना चाहिए एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सेकेंड मेरे पास होने चाहिए दो पॉइंट्स, थर्ड थिंग आई कैन हैव अ इक्वेशन ऑफ लाइन, तीनों में से कोई भी एक होगा चलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, दूसरा फाइंड करेंगे यूजिंग दिस मिड पॉइंट ऑफ AB, बोलिए क्या होगा, x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 8 बाई 2, जिन दोनों का मिड पॉइंट है ना दैट विल बी योर x1 एंड x2। अभी किसी को लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे x1 लिखा है, यहाँ पे x2 लिखा है और बोल इन दोनों को रहे हैं, लेकिन मिड पॉइंट मुझे इन दोनों का फाइंड करना है, सो राइट नाउ दिस इज योर x1 दिस इज योर x2, ओके, अगेन दिस इज योर y1 एंड 0 इज योर y2, सो 4 एंड -2, ओके। सो सेकंड पॉइंट जो मुझे चाहिए था, नाउ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, एक पॉइंट है मेरा ओरिजिन एंड सेकेंड पॉइंट मिड ऑफ दिस मिडल पॉइंट ऑफ AB मतलब 4 माइनस 2, ओके गाइस। अब इसको x1 y1 हमने ऑलरेडी बोला है, दिस इज योर x2 y2, बट मेन बेनिफिट हियर इज
सेकेंड पॉइंट आर, सेकेंड कोऑर्डिनेट आर योर जीरो जीरो, तो मतलब कुछ भी कट नहीं करना है. सो स्लोप क्या हो जाएगा, आप वाई बाय एक्स भी लिख सकते हो, वाई टू बाय एक्स टू भी लिख सकते हो. क्यों, ये फॉर्मूला है मेरा, दिस इज माई फॉर्मूला. ओके, सो माइनस टू माइनस जीरो करो. देखो हाँ, पहले y कोऑर्डिनेट आएगा अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो मैंने कुछ भी कट नहीं किया, मतलब कि डायरेक्टली आई कैन राइट y बाय x, दिस इज y, दिस इज x. ओके, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई आपको, अगर डायरेक्टली करना है सो m इज इक्वल टू माइनस हाफ, m इज इक्वल टू माइनस हाफ, बोलिए अंडरस्टैंड. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विदाउट यूजिंग, क्या बोला है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 and -1, -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. गाइस हमें 90 डिग्री एंगल दिखाना है, लेकिन वी कैन नॉट यूज पाइथागोरियन थ्योरम बिकॉज दैट इज 7th स्टैंडर्ड थी. ओके, या फिर वो आपने 9th 10th में भी यूज किया है, सो वी कैन नॉट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर पाइथागोरस का यूज नहीं कर सकते हैं. सो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या दिखाना है, थ्री पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो बेटा पाइथागोरस तो यूज नहीं करना है, मतलब व्हाट वी कैन डू, तो हमने थियरी देखी है जहां पे इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ देम इज माइनस वन. तो अगर हमने ये दिखा दिया सो वी कैन प्रूव दैट द पॉइंट्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो उसके लिए मुझे डिफरेंटली दो दो की पैर में पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. दिस इज योर लाइन ए बी, दिस इज योर लाइन बी सी विथ यूज ऑफ थ्री पॉइंट्स. हमें तीन लाइन मिलेंगी, ओके, बिकॉज दिस पॉइंट कांट बी लीनियर. अगर पॉइंट लीनियर हो गए तो स्लोप विल बी सेम, है ना. अगर पॉइंट्स पैरेलल हो गए फिर भी आपको पॉइंट सेम मिलेंगे, स्लोप सेम मिलेगा. ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, बोलिए क्या यूज करेंगे स्लोप का फॉर्मूला. यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स है, सो एम इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. माई स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. चलो ए बी है, सो इट कैन बी योर y2, 5 minus 4 upon 3 minus 4. देखिए जिसका y कोऑर्डिनेट पहले लिया उसी का x कोऑर्डिनेट नीचे पहले यू हैव टू टेक. ये हो जाएगा 1 upon minus 1, सो योर स्लोप इज minus 1. चलिए सेकेंड स्लोप, ओके, इसको मैं m1 बोलूं, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट bc, बोलिए अगेन y2 minus y1 minus 1 minus 5. आप 5 minus 1 minus minus plus 1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे होगा minus 1 minus 3, बोलिए minus 6 upon minus 4, so that is 3 by 2. ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं, आई वॉन्ट दिस, तो यहां पे तो मैचिंग नहीं होगा. सो स्लोप ऑफ ए सी, बोलिए अब फिर से मेरे पास पॉइंट्स है ए एंड सी, मेरे पास पॉइंट्स है ए एंड सी, तो अब मैं यूज करिए देख इससे. अगर आपको दोनों नेगेटिव नहीं चाहिए तो आप 4 प्लस 1 भी कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस 1 माइनस 4 जो ऊपर किया था वो तो डेफिनेटली होगा माइनस वन माइनस फोर. देखिए सेम है, सो योर आंसर इज वन, बिंगो, दिस इज माय आंसर. देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सपोज दिस इज एम टू दिस इज एम थ्री, सो एम वन इंटू एम थ्री इज इक्वल टू माइनस वन इंटू वन दैट इज माइनस वन. तो इसका मीनिंग है दिस मीन्स दैट
लाइन सेगमेंट एबी इज परपेंडिकुलर टू एसी। अगर लाइन सेगमेंट नहीं लिखना है, लाइन लिख सकते हो, और लाइन अब यहाँ पे शो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एबी इज परपेंडिकुलर टू एसी, अब ये शो नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो एबी इज परपेंडिकुलर टू एसी मतलब एंगल ए इज राइट एंगल एंड ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देखिए स्लोप इज नॉट सेम, तो मतलब जो पॉइंट्स है दैट आर नॉट पैरेलल। ओके, लीनियर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो मतलब ट्राइंगल बनेगा, और जो ट्राइंगल बनेगा उसमें एंगल ए इज राइट एंगल, सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके स्लोप सेम हो गए ना गाइस, तो आपको ये वाला मिलने से रहा। ओके, ये जो कंडीशन है वो नहीं मिलेगी। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। बोलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखना है, नो हरी इन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, मतलब आई हैव टू फाइंड स्लोप। ओके, उसके लिए क्या गिवन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मैम थीटा इक्वल टू 30, नो, रीड करो ठीक से, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन वेयर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉक वाइज। मतलब ये जो आपकी वाई एक्सिस है ना, उसके साथ 30 डिग्री। सो मतलब गाइज आपका थीटा कितना होगा, होल थीटा कितना होगा, 90 प्लस थीटा। तो मतलब अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो आपको पाई बाय 2 प्लस करना है, या फिर डायरेक्टली 90 प्लस 30। अगर रेडियन में गिवन है तो पाई बाय 2 प्लस करो, अगर डिग्री में गिवन है तो 90 प्लस करो। सो थीटा इज इक्वल टू एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये इसके नीचे अंडरलाइन करना। ओके, माइनस 10 30। ओके, या फिर आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, सॉरी 10 30 नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना है तो मैं 90 प्लस 30 डायरेक्ट लिखूं, ये हो गया आपका 90 प्लस थीटा, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन अ cot, सो cot 30 हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस, बोलिए स्लोप क्या आएगा आपका, माइनस cot 30 यानी माइनस रूट 3। Yes, पक्का, इज इक्वल टू माइनस रूट 3। 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 4 10, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गिवन टू अस, ए बी सी 3 पॉइंट्स, हमें क्या प्रूव करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, दिस आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो आपकी लाइन बनेगी ना यूजिंग दिस ए बी बी सी एंड ए सी दैट विल बी परपेंडिकुलर, कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तभी आपका राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब मुझे स्लोप का यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो आई कैन यूज द स्लोप। अगर दो स्लोप आपको माइनस, दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 मिलता है, सो यू कैन से दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। ओके, उसके लिए मैंने क्या किया, ए बी दो पॉइंट्स ले लिए, दैट इज योर सेगमेंट,
बीसी सेगमेंट एंड एसी सेगमेंट, उन तीनों के लिए मैंने स्लोप का फॉर्मूला यूज किया कौन सा, आई हैव टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, ओके. तो फॉर्मूला ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. फॉर्मूला इजी है, ध्यान इतना रखना है, बी केयरफुल अबाउट कि जिसका वाई कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हो उसी का एक्स कोऑर्डिनेट यू हैव टू टेक फर्स्ट, ओके. सो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो ये स्लोप आपको मिल जाएगा माइनस 1. सेकेंड स्लोप ऑफ बी सी, माइनस 1 माइनस 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 3, ये तो मैच नहीं करेगा इसके साथ, तो फिर जाएंगे थर्ड स्लोप पे. थर्ड स्लोप होगा ए एंड सी का, व्हाट इज दैट, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4, बोथ आर सेम, सो स्लोप इज 1. देखो M1, M2 मैच नहीं कर रहे हैं, M2, M3 मैच नहीं कर रहे, लेकिन M1 and M3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगी तो दैट विल बी माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1, M1 इंटू M3 माइनस 1 हो गया, मतलब AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यहाँ पे आप सेगमेंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, जब आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लाइन करो, ओके, अदरवाइज लाइन लिखो, अगर आपको यहाँ पे लिखना है यू कैन राइट, अगर नहीं लिखना है चलेगा, ओके, क्योंकि डिस्टेंस में भी हम सिर्फ ए बी लिख रहे हैं, ओके. चलिए, सो जो आपका कॉमन है दैट इज योर राइट एंगल, ऑब्वियसली वही चीज हम फॉलो करते हैं पाइथागोरस में भी, सो योर एंगल ए इज राइट एंगल, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल. दूसरी एक चीज कि ट्राइंगल कैसे पता चला कि मैम ट्राइंगल ही है, तो यहाँ पे आप लोग चेक द स्लोप, अगर स्लोप सेम आया ना तो मीन्स पॉइंट्स आर लीनियर और पैरेलल, ओके. अब पैरेलल तो हो नहीं सकते क्योंकि ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ए बी एंड ए सी में ए कॉमन है, तो पैरेलल नहीं हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, लेकिन लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए, तीनों लाइन का स्लोप मुझे डिफरेंट मिला, मतलब पॉइंट्स आर नॉट लीनियर पॉइंट, तो मतलब ट्रायंगल डेफिनेटली बनेगा, ओके. अगर इफ योर थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर तो इट जनरेट्स अ ट्रायंगल, ओके. चलिए, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे स्लोप फाइंड करना है, बट वेट, एंगल भी दिख रहा है क्वेश्चन में, बट क्या है एंगल विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब मेजर्ड बाय एंटी क्लॉक डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल आपका 30 बन रहा है, बट आई वॉन्ट थीटा एंगल विथ, सो थीटा Your theta is an angle with positive x-axis. Positive x-axis मतलब 90 plus 30. अब 120 करना है, up to you. नहीं करना है, don't do. Because m 10 theta, 10 theta मतलब 90 plus 30. 90 plus 30, ये हो गया आपका 90 plus theta. So use conversion. इसमें convert होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, दैट कन्वर्ट्स इन कॉट थीटा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस थीटा, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, मतलब टेन आपका नेगेटिव जाएगा, सो माइनस कॉट 30, सो योर स्लोप इज माइनस रूट 3, योर स्लोप इज माइनस रूट 3. इट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x when the points are collinear, मतलब points are on the same line. कौन से points given है, x minus 1, 2, 1 and 4, 5. Okay. Collinear है, आपको distance नहीं given है guys, तो मतलब हम slope का use करेंगे. Again same thing, this is your a, this is your b and this is your c. A, b, c are collinear. That means slope is same for all. Slope is same. Okay, सबका slope same जाएगा. So slope
ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बोली, वन माइनस माइनस वन मतलब वन प्लस वन अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टू अपॉन टू माइनस एक्स. अब स्लोप ऑफ बी सी तो ये कितना होगा गाइस, फाइव माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू, तो ये हो गया फोर बाई टू दैट इज टू. जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. ओके स्लोप इज सेम, एम वन इक्वल टू एम टू, सो टू माइनस टू, टू अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, टू टू कट फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे नथिंग लेफ्ट मीन्स वन लेफ्ट. तो मैं क्या करूंगी, चेंज द साइड, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं. ओके यहाँ पे नथिंग लेफ्ट मतलब यहाँ पे भी वन है, तो वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा टू माइनस वन, सो एक्स इज वन. एक्स अगर वन हुआ देन यू चेक दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके फॉर एक्स इक्वल टू वन योर पॉइंट्स आर कोलिनियर बोलिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वी एस क्यू. बहुत बार आप देख सकते हो इन योर स्कूल एग्जाम. ओके पहले जब इलेवेंथ में सेमेस्टर सिस्टम थी तब वहां पे भी पूछते थे इन बी एस क्यू एम सी क्यू ऑल्सो. ओके चलिए बोलिए, एनी डाउट्स. नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में करके आए हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मुझे उसका यूज नहीं करना है. अब जो हमने नया सीखा है दैट इज मोर बेटर देन दैट वन. ओके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है जिससे आप बोल सकते हो कि दिस इज पैरेललोग्राम, कि जो ऑपोजिट लाइंस है ना दैट मस्ट बी पैरेलल. पैरेललोग्राम मतलब ही यही होता है कि लाइंस मस्ट बी पैरेलल. तो चलिए तो क्या प्रूव करना है, दिस ऑल फोर फाइव पॉइंट्स आर द पॉइंट वर्टाइजेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड होती है ना दैट मस्ट बी पैरेलल. तो वही चीज हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. एंड वन थिंग गिवन टू यू दैट यू कैन नॉट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब मुझे डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है ये नहीं शो करना है. तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है दैट इज द स्लोप. ओके तो बारी बारी सब स्लोप चेक करेंगे हम लोग, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. ओके इतने स्लोप चेक करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया आ जाएगा कि विच पॉइंट्स आर ऑपोजिट. ओके चलिए सो स्लोप ऑफ ए बी, अब थोड़ा सा फास्ट कर रही हूं मैं. चलिए सो स्लोप ऑफ ए बी, जीरो माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन एंड फोर माइनस माइनस प्लस टू, तो ए बी का स्लोप हो जाएगा वन बाय सिक्स. स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा आपका थ्री माइनस जीरो दैट इज थ्री एंड थ्री माइनस फोर, तो ये हो गया आपका थ्री बाय माइनस वन तो दैट इज माइनस थ्री. इसको मैं एम वन बोल देती हूँ, दिस इज माई एम टू. नाउ स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, टू माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री माइनस थ्री, ये हो गया माइनस वन एंड दिस इज माइनस सिक्स, तो देखिए ये वन बाय सिक्स मैच विथ एम वन राइट. अब लेते हैं स्लोप ऑफ ए डी, अगेन टू माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन एंड माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू, सो ये हो गया आपका थ्री बाय माइनस वन, सो अगेन माइनस थ्री मैच विथ एम टू. सो हियर वी कैन से हियर एम वन इज इक्वल टू एम थ्री एंड एम टू इक्वल टू एम फोर. इट मीन्स दैट एम वन मीन्स ए बी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड M2 means line आपकी जो BC है that is parallel to line AD. आपको line लिखना है line लिख लो, segment लिखना है segment लिख लो, चलेगा.
this two are parallel, this two are parallel, means it is parallelogram. Okay, so therefore ABCD is parallelogram. Pura likhna. Okay, done. Boliye. 10. Find the angle between x-axis. Find the angle between x-axis. मतलब मुझे angle find करना है. I have to find angle between x-axis. मतलब एक line तो आपकी x-axis ही है, जिसके according हम angles find करते हैं. And line joining the points 3-1. Okay, 3-1, that is in a fourth quadrant. हाँ, particular होना जरूरी नहीं है बिल्कुल. And 4-2. 4 यहाँ पे जाएगा एंड -2, सॉरी मैंने बहुत नीचे ले लिया ना, चलेगा. चलो 3-1 एंड 4-2, तो लाइन ज्वाइनिंग, ये टू पॉइंट गिवन है. हाँ, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपके आइडिया के लिए मैंने ड्रॉ किया है. देखिए ये लाइन जो जाएगी समथिंग लाइक दिस, तो मतलब एंगल कौन सा बनेगा, दिस इज योर एंगल. ओके, दिस इज योर एंगल विथ एक्स. चलो अगर फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, नो नीड टू ड्रॉ इट. एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल मांगा है, मतलब लाइन का जो एंगल बन रहा है दैट इज योर एंगल ओनली. ओके, चलिए तो पॉइंट्स है मेरे 3-1 एंड 4-2. ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन लाइन ए बी. देयरफोर M is equal to, बोलिए क्या होगा, y2-y1 -1 upon x2-x1. तो ये हो जाएगा आपका -1/1. तो ये हो गया आपका M equal to -1. अब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए. देखना हाँ, अभी मैं approximately लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज योर x एक्सिस. अब कोई भी लाइन है तो एंगल ये आपका थीटा होगा. देखिए मैंने अभी जो लाइन ड्रॉ की थी वहां से आपको आइडिया आ रहा है कि ये जो एंगल होगा दैट इज ग्रेटर देन 90 ऑब्वियसली. ओके, इसीलिए देखिए माइनस मिला, बिकॉज 10 इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. तो एम इक्वल टू मैं कंपेयर कर रही हूँ 10 थीटा को, बिकॉज आई वांट एंगल. ओके, आपको दूसरा लाइन जो बोला है दैट इज एक्स एक्सिस ओनली. अगर आपको दो लाइन का एंगल फॉर्मूला यूज करना है, यू कैन दैट use that also. देखिए यहाँ से डायरेक्टली एंगल मिलेगा m equal to 10 theta, because एक लाइन आपकी x axis है. अब सपोज आपको वो यूज नहीं करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दो लाइन दी, एक x axis, तो x axis का एंगल क्या होगा, this is your angle m1 for this line 3-1 and 4-2. अगर मैं उसको एंगल m1 बोल दूं तो दूसरा एंगल क्या होगा x axis के लिए, एक्स एक्सिस का अपने साथ एंगल क्या बनता है, जीरो. तो यू कैन यूज टेन अल्फा फॉर्मूला m1-m2 अपॉन 1+m1 × m2. ये हो जाएगा आपका जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो. सो दैट इज सिंपली m1, दैट इज सिंपली m1/1. लेकिन मॉड्यूलस जाएगा, मतलब मुझे प्लस और माइनस वन लेना है, लेकिन ये ऑलरेडी आपका -1 है. ओके, टेन अल्फा क्या है ऑलरेडी, m1 क्या है नेगेटिव. ओके, तो इसको यूज नहीं करते हैं. दिस इज द लॉन्ग मेथड फॉर दिस सम, बिकॉज दिस इज फॉर 1 mark ओनली. तो इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रही हूँ विथ 10 थीटा. ओके, सो 10 थीटा इक्वल टू -1. तो एंगल आपका कौन सा बनेगा, बोलिए -5/4 ना, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा लिखते हैं हम, थीटा. यहाँ पे आपका ए डैश मींस पाई, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा या फिर पाई माइनस अल्फा. वन मतलब कहाँ पे वन होता है, 10 एट 5/4. तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस 5/4, दैट इज 3π/4. अदरवाइज यू कैन राइट 135 degree. ओके, आप लोग 135 degree भी बोल सकते हैं. ओके,
यस बेटा, उसमें हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस वन आएगा, मॉड्यूलस ब्रेक करेंगे सो प्लस और माइनस वन होगा, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से लाइन पास हो रही है इसलिए हमें सिर्फ नेगेटिव वन ही लेना है, तो उसमें नहीं पढ़ना है, दैट्स व्हाई मैंने फिर से इसकी पे लाके रख दिया। ओके, थीटा इज 3π/4 और 135 डिग्री। बोलिए अगर किसी को डाउट है इसमें, बताइए।